वाह वास्ता पिया। उन्होंने कहा और विदेशों दी संगतां ने भी टैलीफोन करके कहा कि निहंग सिंह जथेबंदियों नूं सारिआं वल्लों हथ जोड़ के बेनती कर दिओ कि निहंग सिंह जथेबंदियां इस अंदोलन की जिंद जान ने। जेकर निहंग सिंह जथेबंदियां 26 तो बाद उत्थे उस दिन हाजर ना हुंदियां जिस दिन RSS और BJP के गुंडिया ने स्टेज पर हमला किया सी, तां उस दिन जे निहंग सिंह जथेबंदियां ना खड़दियां तां इस अंदोलन ते बहुत बड़ा धब्बा लग जाना सी। निहंग सिंह जथेबंदियां नूं एक बेनती करदे आं कि तुसीं इत्थे 300 जां 400 इह तां गिणती आपां कर सकदे आं, पर मैं एक माण नाल गल इह कहना है कि तुहाडे विच्चों इहनां नूं चमकौर दी गड़ी दे 40 दिसदे ने, तां लत्तां थर थर कंबदियां ने इहनां दियां। नाले जिहड़ा इह अंदोलन है इह किसे दा नहीं हैगा, पूरे पंजाब चों शुरू होया सी, सिख कौम ने लीड करी सी, इहदे विच्चों कोई आर्डर करके किसे नूं नहीं कढ सकदा कि तुसीं चले जाओ जां तुसीं आ जाओ। फिर तां इक बंदे दा अंदोलन हो गया यार। निहंग सिंह जथेबंदियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीआं लाडलियां फौजां ने, इहनां नूं नहीं कोई कढ सकदा। मत समझे इह भरम कोई भी ना पाले, चाहे स्टेट है चाहे कोई जथेबंदियां ने, कि निहंग सिंह जथेबंदियां इत्थों जाणगियां। पूरी सिख कौम पूरा खालसा पंथ निहंग सिंह जथेबंदियां दे नाल है, जो ये हुक्म करनगियां इन्हां दे हर हुक्म नूं सिर मत्थे प्रवान किया जाऊगा। जेकर तुहानूं लग्या कि मोर्चे दे विच संगत दी जिहड़ी हाजरी आ ओह घट रही है, तां तुसीं इत्थों एक कॉल दे दिओ तां सारे दा सारा पंजाब, सारे दे सारे पंजाब दे नौजवान इत्थे आके फिर हाजर होणगे। सारे सिख, सारे नौजवान, सारिया जथेबंदियां, पंथक जथेबंदियां सारियां तुहाडे नाल ने, और मोर्चे दे विच जे अज सिख कौम की शमूलीयत है तां सिर्फ ते सिर्फ निहंग सिंह जथेबंदियां करके है, और सारी सिख कौम तुहाडे ते इस गल का माण करती है। और असी सारे डट के जिन्हें पंथक जुझारू वीर ने सारे आए ने, क्योंकि उधर तो कोई जान नहीं दिंदा, इस करके सारिया जथेबंदियों वालों तुहानू निम्रता सहित बेनती करते हैं कि इस मोर्चे दे विच्चों कोई भी जथेबंदी वापस नहीं जाऊगी जी, तो तुहानू हथ बन के बेनती है। दूसरे नंबर पर यह बेनती है कि जिहड़ा निहंग सिंह जथेबंदियों ने कहा कि दो मुद्दों पर बोलना है, एक जिहड़ा दूसरा है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी बारे जो निहंग सिंह जथेबंदियों ने उरे एक्शन किया, उदियां भी सारी सिख कौम तुहानू शाबाश दिंदी है और मोढे नाल मोढा ला के थोड़े नाल खड़ांगे। एक मेरी तुहानू हथ बन के जथेबंदियों नू बेनती है कि अज सारी सिख कौम, सारा खालसा पंथ देश विदेश का तुहाडे वल देख रहा है और सारा थोड़े ते इस गल का माण करता है, और तुहानू एक हथ बन के बेनती करते हैं कि तुसी जिन्नियां भी जथेबंदियों एकता विच रखियो, एकता विच बल हुंदा है। और एक तुहानू इत्थे होर गल दसदा मैं कि बाबा अमन सिंह उहनां नू भी परचे दे विच पा दिता गया, यह बड़ी गंभीर गल है। जिन्हां बंदियां ने उस व्यक्ति का सौदा लाया सी जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी करन आया सी, उन्होंने जाके आप पेश हो गए, तो हुण तां इन्होंने 120 भी लाई हुई है, किते अजिही कोई गल ना हो जावे कि कल्ले कल्ले नूं करके सारिआं दे नौं पा के इन्हां नूं पता कि खालसा पंथ पिछे खड़ गया निहंग सिंह जथेबंदियां दे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीआं लाडलियां फौजां ने, कि कल्ले कल्ले नूं करके जथेबंदी दे जिहड़े मेन आगू ने किते ओह इह कानूनी अड़चन च ना अड़ जा लैण। यह साडी जथेबंदी वल्लों मैनूं दीप सिद्धू ने स्पैशल यह गल बोलण वास्ते कहा कि आह गल जथेबंदियां दे नोटिस जरूर लिया दिओ। मैनूं उहने हुणे फोन करके कहा, उह कहिंदा मैं आ नहीं सकदा, स्टेट ने किसे काम च उहनूं उलझाया होया बेचारे नूं, उह बॉम्बे है। इस करके यह तुहानूं मैं दसदा कि किते अजिही गल ना होवे कि अज इक अमन सिंह है कल नूं दूसरा कोई होर अमन सिंह बन जावे। इस गल ते वी आपां नूं डट के स्टैंड लैणा पऊगा। यह फोटोआं फूटूआं की कोई गल नहीं हुंदी, फोटोआं तां सारिआं दीआं सारिआं नाल हुंदीआं ने। ते नाले मैं तुहानूं दसदा कि मैं तां अमन सिंह नूं बहुता मिलिया नहीं, निहंग सिंह जथेबंदियां दे सरदार स्वर्ण सिंह जी तोणी ने, बाबा जी ने, जयदार सिंह साहब, जसवीर सिंह होनी, इन्हां नूं तां मिलदे रहीदा, अमृतसर अकाली दल वाले ने मिलदे रहीदा, पर वो बिल्कुल
उस बंदे दा बेचारे दा उस नहिंग सिंह दा अपने दा कोई कसूर नहीं। उहदे चेहरे तो अज दो घंटे बैठ के आए हैं, अपां नूं उहदा डट के साथ देना चाहीदा। जे अपां साथ ना दिता तां किते इह ना होवे कल्ले कल्ले नूं रगड़ देण। हुण तक स्टेट इसे तरह करदी हुंदी है, स्टेट नूं इह गल भली भांत पता लग गई, जथेबंदियां भी इह गल समझ गईआं कि सिख कौम खालसा पंथ नहिंग सिंह जथेबंदियां दे पिछे खड़ा है। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਦੱਸਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਿਓ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ 40 ਸਿੰਘ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਕਰਾ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।